देन तो देखिए बालसम में कितने सारे फ्लावर्स आए हैं, पूरे प्लांट भरे हुए हैं। और देखिए स्पेन फ्लावर्स गिरते हैं और अभी ये लंबे टाइम तक खिलते रहेंगे। जब बहुत सर्दियाँ पड़ेगी तब ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं अपने आप ही, तो इनसे मैं सीड्स लेती रहती हूँ। तो ये भी जो आप देख रहे हैं सभी मेरे गार्डन के ही सीड्स थे और मैंने सीड्स को ग्रो किया हुआ था। और कटिंग से इजीली लग जाते हैं। एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं छोटी सी कटिंग से। ये देखिए ये छोटी सी कटिंग यहाँ से लेंगे और मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो लग जाते हैं। और खाद में हर 15-20 दिन पे देती रहती हूँ, लिक्विड तैयार करके देती हूँ, सरसों की खली नीम की खली का लिक्विड तैयार करके देती हूँ और वर्मी कंपोस्ट भी देती हूँ। तो जो भी मेरे पास खाद होते हैं 15-20 दिन में मैं देती हूँ। और देखिए मैंने कटिंग से कई सारे प्लांट ग्रो किए हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं प्लांट लेकिन अभी थोड़े से मुरझाए हैं क्योंकि पानी में आज दी नहीं हूँ। और देखिए बारिश भी हो रही है। और बिना केयर के चलने वाले ये फ्लावर प्लांट बोगनवेलिया, कोई केयर नहीं करती मैं, ज़्यादा केयर ही नहीं करती। और देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और पूरे साल ये फ्लावरिंग करते हैं, सिर्फ सर्दियों में ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और पिछले साल मैंने छोटा सा प्लांट लिया था सर्दी में, तो देखिए इनमें पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं और वेरीगेटेड इनके लीव्स हैं, ये देखिए। और उन्हें इसी बगल बेलिया के बगल में लगा दी हूँ, वाइट वाले जो हैं। और देखिए रोज़ फ्लावर कितने सारे आए हुए हैं, इन पे मेरा वीडियो है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो जब भी फूल स्पेंड हो जाते हैं इनके सूख जाते हैं प्लांट्स, मैं कटिंग करके हटा देती हूँ और इनको हल्की हल्की प्रून कर देती हूँ ताकि इनकी ब्रांचेस नए नए आते रहें। और देखिए ये नाइट ब्लूइंग जास्मिन, बहुत ही खूबसूरत ये जास्मिन प्लांट है, फ्लावर है और बंच में फ्लावर देते हैं। इनके कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं, लगातार ये भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। और देखिए मेरे क्रैनबेरी हिबिस्कस में अब बर्ड्स बनने लगे हैं, बहुत सारे बर्ड्स बने हैं और कटिंग से मैंने प्लांट भी तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए चांदनी, मिनी चांदनी है, कितने सारे इनमें फ्लावर्स आए हैं, पूरे प्लांट ही भरे हुए हैं फ्लावर्स से।
तो फ्रेंड्स होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।